सोलन पुलिस की एसआईयू टीम ने दवा फैक्ट्री से बिना बैच नंबर व बिना पैकिंग के ले जाए जा रहे कैप्सूलों का भंडाफोड़ किया है। गश्त के दौरान पुलिस ने दो युवकों को तकरीबन 385 कैप्सूलों के साथ पकड़ा। पूछताछ में युवकों ने बताया कि वह ये कैप्सूल एक फैक्ट्री से लाए हैं। ये फैक्ट्री तार फैक्ट्री स्थित है। इसके बाद पुलिस ने ड्रग डिपार्टमेंट की टीम को सूचना दी व संयुक्त रेड की। आज जब मैं एसआई प्रभारी बटू रोड पे था तो हमें गश्त करते हुए एक दो व्यक्ति मिले जिन्होंने एक बैग हाथ में उठाया था, जिसे जिनको रोक कर हमने चेक किया तो उसमें से 385 कैप्सूल नीले रंग के, जिसमें कोई भी मार्का ना ही कोई रैपर लगा था। तो इस पर हमने ड्रग इंस्पेक्टर को सूचित किया तो ड्रग इंस्पेक्टर मौके पे आए तो उनको सीज करके ड्रग इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया है। तो आज हमें वहाँ पे दो लड़के मिले, जो पुलिस की टीम जब हमने चेक किया तो उनके पास से तकरीबन 385 कैप्सूल बरामद हुए। स्ट्राइकिंग बात जो पुलिस टीम को वहाँ पे लगी कि कैप्सूल्स के ऊपर नेम वगैरह नहीं थे, कोई मार्का नहीं था। और उनसे स्ट्रिक्टली जब पूछताछ की कि दोनों अपरेंटली वीरेंद्र शर्मा और नीरज कुमार करके लड़के हैं जो जिला सोलन शिमला से हैं, जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि सबाथू रोड पे कोई फैक्ट्री है जहाँ से इन्होंने प्रिक्योर किए, दैट मीन्स ये पहले भी वहाँ से लेते रहे होंगे शायद। तुरंत ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी टीम को कॉल किया गया और स्पेशल टीम ने फैक्ट्री को जाकर देखा। फैक्ट्री के बाहर क्लोज का बोर्ड लगा था बट अंदर कुछ कार्रवाई चल रही थी। तो अब ड्रग की टीम और पुलिस की टीम एसोसिएट करके कार्रवाई इस मौके पे चल रही है। जो लड़कों की तलाशी से कैप्सूल प्राप्त हुए उनके ऊपर कोई बैच नंबर या उनके ऊपर कोई एम्ब्रोस नंबर्स अवेलेबल नहीं थे, जो भी बिकॉज कोई भी फार्मा के कैप्सूल्स या कोई भी टैबलेट्स या कोई भी दवाई रहती है उनके ऊपर प्रॉपर उनका मार्का इत्यादि जो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ वो रहती हैं, वही चीज़ जो टीम को स्ट्राइक किया तभी ड्रग इंस्पेक्टर को उनको कॉल किया गया और जहाँ पे वो फार्मा या जो हमें फैक्ट्री लगती है वहाँ पे इस टाइम कार्रवाई चल रही है पुलिस। ये चीज़ FSL से हम वेरीफाई करेंगे और अपरेंटली देखने में तो ऐसे ही लग रहा है बिकॉज दे बिन सप्लाइंग, और अगर विदाउट नॉर्म से ऐसी कोई प्रोडक्शन या एक्टिविटी चल रही है वो ड्रग विभाग अपनी कार्रवाई कर रही है।